आदाब नाज़रीन, जी सलाम, देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अफसोसनाक खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त की। जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मच गई। माता वैष्णो देवी मंदिर आते में अकीदतमंदों के बीच भगदड़ मची और इस हादसे में 13 अफराद की मौत हो गई है, कई अफराद जख्मी है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं जम्मू और कश्मीर से। माता वैष्णो देवी मंदिर आते में अकीदतमंदों के बीच भगदड़ मच गई, जिसके बाद इस हादसे में 13 अफराद की मौत हो गई है, कई जख्मी हैं। सभी जख्मी अफराद ककरियाल अस्पताल में दाखिल किए गए हैं। आपको बता दें कि नए साल के मौके पर दर्शनों के लिए पहुंचे थे अकीदतमंद। फिलहाल वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा रोक दी गई है, ज्यादा भीड़ होने की वजह से भगदड़ मची। हादसा रात 2 और 3 बजे के बीच पेश आया। ये बड़ी खबर जम्मू से दे रहे हैं आपको। माता वैष्णो देवी मंदिर आते में अकीदतमंदों के बीच भगदड़ मच गई है, इसमें 13 अकीदतमंदों की मौत की खबर है, 15 अफराद जख्मी है। यह हादसा रात 2 और 3 बजे के बीच पेश आया। बताया जाता है कि ज्यादा भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद इस यात्रा पर रोक लगा दी गई। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं जम्मू और कश्मीर से। माता वैष्णो देवी मंदिर आहाते में अकीदतमंदों के बीच भगदड़ मच गई, जिसके बाद इस हादसे में 13 अफराद ने अपनी जान गंवा दी। कई लोग जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। और माता के दर्शन करने पहुंचे लोगों ने हादसे के बारे में क्या कहा, आपको सुनवाते। वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। वहाँ पे 200 डंडे मारे थे, सीटियां बजाई थी, उसमें पब्लिक में भगदड़ मच गई और उसमें पब्लिक दब गई। बच्चे, बड़ी बुढ़िया थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, वो चढ़ गए मेरी आंखों के सामने। जो मैंने वहाँ पे खड़े होकर खंबे पे काउंट किया, 35 थे उस टाइम पे। पुलिस की बिल्कुल दो ही वहाँ पे वो थे। और आज वहाँ पे शायद वो 800 की टीम दिखा रहे हैं कि 800 की टीम है हमारे। हादसा होने के भी 2 घंटे बाद पीसीआर तब पहुंची है, उससे पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। ना आपके यहाँ पे कोई कोविड टेस्ट हो रहा था कि डोज चेक क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखा दिया और जाने दिया। सिर्फ 2-2 घंटे वेस्ट किए, बंदा इतनी दूर से आ रहा, कोई कुछ नहीं था। बिना सोचे समझे इन्होंने मतलब एकदम से ले लिया, इन्होंने डिसीजन ले लिया कि ये मतलब कि किसी को डंडा मार रहे हैं। लेडी से पड़ी हुई है, हमारे दोस्त की भी पैर में लगी किसी के, लेडी से को होश नहीं है। इन्होंने गलत करा ये सर, बहुत गलत किया। यात्रा करके आ रहे थे, मैं भी फंस गया था, मैं भी घबरा गया था। वहाँ पे कई अफवाह फैलाई गई। हाँ जी, हमें अफवाह फैलाई गई कि कोई बोल रहा है कि चीता आ गया, कोई बोल रहा है खंबा गिर गया। इससे ना हम बाल बाल बचे, हमारे दोस्त की तो चोट भी लग गई है, उसके पैर में पूरा अभी बड़ी मुश्किल। ऊपर बहुत भगदड़ मच गई थी, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी। खंबे पे लोग चढ़े हुए थे जो ये पोल्स लगे होते हैं, और बहुत ही ज्यादा भगदड़ थी। कुंभ मेले के जैसा लग रहा था, मुझे लग रहा है मैंने कुंभ के दर्शन कर लिए। हम बिना दर्शन के वापस आ गए क्योंकि वहाँ पे लो टेम्परेचर बहुत हो रहा था, क्योंकि रात के 2:30-3 बज रहे थे। तो हमने 3-4 घंटे वेट करा कि शायद हमारा नंबर आ जाए, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। ब्लैंकेट भी नहीं थे और टेम्परेचर लो था, और हम इतने लेके आए नहीं थे ब्लैंकेट साथ में क्योंकि चढ़ाई करनी थी। तो वहाँ पे बहुत भगदड़ मची, पुलिस प्रशासन दिख रही थी कहीं कहीं पे, एम्बुलेंसेस जाती बहुत ज़्यादा दिख रही थी। लोगों को देख देख के ही हमें स्ट्रेस हो रहा था, टेंशन हो रहा था कि किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, ऐसा कुछ। हाँ, 3 घंटे वेट करा हमने कि रश कम होगा, हम दर्शन करेंगे, बट वैसा कुछ दिखा नहीं, उल्टा रश बढ़ रहा था। लोग जा रहे थे बिना किसी रीज़न के। और प्रशासन की एक गलती जो मुझे लगी है वो ये थी कि उन्होंने आने वाले लोगों को मना नहीं करा कि वहीं पे रुक जाओ, अभी भी लोग चल रहे हैं। अभी लोग इतने ज़्यादा थे, रास्ता था नहीं, हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊँ। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊँ, और जिसने दर्शन नहीं किया तो सोचा मैं पहले जाके दर्शन कर लूँ। आप दर्शन कर पाए? नहीं कर पाए सर, हम नहीं कर पाए, बहुत रश था, नहीं कर पाए। श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ नहीं रखा गया कि यात्रा की लिमिट हो या रश बढ़ रहा है? मेरे ख्याल से वो नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है मेरे ख्याल से। या तो उसको ज्यूम नहीं कर पाए, या तो लोग वहाँ जाके स्टे कर लिया लोगों ने। नॉर्मल ये हो सकता है कि श्राइन बोर्ड ने जो भी लोगों को छोड़ा यहाँ से वो एज्यूम करके छोड़ा कि भाई आप वहाँ पे दर्शन करेंगे वापस आ जाएंगे, बट ये हो सकता है लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए, तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर वो।
अपनों को कैसे ढूंढ पाए आप जब इतना वहाँ? सर मेरे साथ दो लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है, उनको करीब एक घंटे बाद जब होश आया है तो उनका फोन लगा है, तब उनको कॉल किया है मैंने, तब उनसे मेरी बात हो पाई है। आप वहीं थे तब मौके पर? जी मैं वहीं था, लेकिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी, बट समहाउ हमें कुछ नहीं हुआ, हम थोड़ा सा मैनेज कर, माता रानी का शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ। अभी आप ऊपर से आए तो ऊपर की किस तरह की अभी? ऊपर तो सर जो मैंने देखा था 3-4 बॉडीज थी, जिसमें से 2 आ चुकी है, 2 शायद अभी आई है, जो हमने देखी थी 4 बॉडीज। मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक 6 लाशें अस्पताल पहुंच चुकी हैं। जो स्टैम्पीड हुआ है उसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं अभी तक सीएससी कटरा में 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास पहुंच गई है, तो एग्जैक्ट जो डाटा है वो अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है यहाँ पे, तो 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास आ गई हैं, तो अभी उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद हैंडल। सर रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, इंजर्ड को कहाँ लेके जाया जाए? तो जो इंजर्ड हैं अभी तक उनको डायरेक्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से नारायणा में उनको ज़ेर इलाज किया गया है, तो एग्जैक्ट नंबर उनका भी अभी मेरे पास नहीं है कि कितने इंजर्ड हैं उसमें, लेकिन श्राइन बोर्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के तो उनको सबों को शिफ्ट कर दिया है नारायणा हॉस्पिटल। जैसे ही मुझे जो 2:45 में मुझे पहली कॉल आई है, तो उसी वक्त मैंने अपने पूरे स्टाफ को अलर्ट कर दिया था, हमारी पूरी तैयारी है जहाँ पे, तो जो अभी तक इंजर्ड हमारे पास कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन इंजर्ड जितने भी थे वो सारे के सारे उन्होंने नारायणा में शिफ्ट कर दिए हैं डायरेक्टली वहाँ से। जिनकी कैजुअलिटी हुई सारे लोग बाहर के हैं या बीच में कोई जम्मू कश्मीर का? जो कैजुअलिटीज हैं अभी तक प्रॉपर पूरी डिटेल हमारे पास नहीं, जो डिटेल हमारे पास पहुँची है तो कुछ लोग दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, और एक जो है वो J&K का है नौशहरा से। और इस पर जम्मू कश्मीर के LG मनु सिन्हा ने माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मचने से हुए हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया और हादसे में मरने वाले और जख्मियों के अहलखाना से इजहार ताज़ियत की। इतना ही नहीं, गवर्नर मनु सिन्हा ने मजीद ट्वीट किया, हादसे में जान गंवाने वाले अकीदतमंदों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए और जख्मियों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, श्राइन बोर्ड जख्मियों के इलाज का खर्च उठाएगा। ये ट्वीट किया है LG मनु सिन्हा ने माता वैष्णो देवी अहाते में हुई भगदड़ से हुए हादसे के बाद, और उन्होंने भगदड़ के सबब हुई हादसे में एक जांच कमेटी की भी तश्कील करने की बात कही है। आला स्तरीय जांच कमेटी होगी, इसकी सदारत प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखला करेंगे। ADGP जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू भी इसमें शामिल होंगे। माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के दौरान 12 लोगों की मौत के सानिया पर PMO की जानिब से भी ट्वीट किया गया है, जिसमें लवाहिकीन और जख्मियों के घर वालों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। हादसे में जान गंवाने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। PMO ने ट्वीट किया, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में जान गंवाने वालों के लवाहिकीन को PMNRF से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। और हमारे साथ जी सलाम के एडिटर इन चीफ इरफान शेख साहब मौजूद हैं इस अफसोसनाक खबर पर। इरफान साहब, पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी और जम्मू और कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में भी लाखों की तादाद में अकीदतमंद पहुंचे थे। हमेशा की तरह, हर साल की तरह नए साल के मौके पर माता के दर्शनों के लिए, लेकिन एक अफसोसनाक सानहा पेश आ गया यहाँ पर। 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, मंदिर आते में भगदड़ मच गई और नए साल के जश्न में गम में लोग डूब गए हैं। बड़ा सानहा पेश आया इरफान साहब। इट्स रियली वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, और मेरा ये मानना है, मेरा सिर्फ एक ही इस चीज में, इस हादसे में सबसे पहले तो जो लोग मारे गए हैं उनके जो परिवार वाले हैं उनके साथ कॉन्डोलेंस है, हमारी सहानुभूति है, और जो लोग इंजर्ड है जाहिर सी बात है कि उनका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह साहब ने LG साहब से बात की, पूरा डिटेल्स किया, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग सब के सब मुस्तैद हैं, देख रहे हैं। लेकिन एक बात एज अ जर्नलिस्ट जो मुझे अब भी नहीं समझ में आ रहा है
कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे नाइट कर्फ्यू कर दिया गया है, ओमिक्रोन को लेकर के एहतियात बरतने की बात कही गई है। लोगों ने ये भी कहा है कि डरना नहीं है, लड़ना है, आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है। तो जब रैलियां होती तो इतनी सारी भीड़, जब रिलीजियस कोई प्रोसेशन है या कोई काम है या कोई एक्टिविटी है वहां पे इतनी भीड़, तो फिर वहां पे एहतियात क्यों नहीं बरता गया। ये हादसा मेरे ख्याल से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, तो इतनी सी बात समझ में नहीं आए। ये जो 12 लोग मारे गए ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये फिगर नहीं है। एक इंसान जो उस घर से, उस घर का जो चला गया हमेशा हमेशा के लिए, किसी भी तरीके का कंपनसेशन उनको वापस नहीं ला सकता, नंबर एक। और उस घर के लिए वो व्यक्ति वो पूरा दुनिया है, तो वो दुनिया तो उसके लिए खत्म ही हो गया ना। तो इट्स नॉट अ स्मॉल इशू। आज पहली तारीख है, ऑब्वियसली न्यू ईयर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आगमन हुआ है, ये रिजॉल्व करने की जरूरत है। वहां पे जो प्रॉब्लम हुआ है, इशू हुआ है, डिजास्टर हुआ है जिसमें 12 लोग मारे गए हैं, ये पूरे हिंदुस्तान को, 1.4 बिलियन लोगों को आज सोचने की जरूरत है कि क्या किस एटीट्यूड से हम चल रहे हैं जी। सब कुछ चलता है, इट्स रियली वेरी वेरी सीरियस। इरफान साहब, क्योंकि ये सवाल अब 12 उठाया जा रहा है कि क्या सहूलत के हिसाब से गाइडलाइंस की पासदारी करवाई जा रही है। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं ओमिक्रॉन को देखते हुए, लेकिन गंगा सागर मेले पर रोक लगाने से उन्होंने इंकार कर दिया, ये दलील देते हुए कि जब रैलियों में लोग इकट्ठा हो सकते हैं तो मैं लोगों की अकीदत के साथ छेड़छाड़ क्यों करूं। इधर हम देख रहे हैं माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ हो गई, लाखों की तादाद में यहां लोग पहुंचे थे, तो क्या यहां कोविड SOPs को मुकम्मल तरीके से पासदारी कराने के लिए नहीं कहा गया था, ये अहकाम नहीं जारी किए गए थे? आखिर कब तक इस सिलेक्टिव एटीट्यूड के साथ लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? बड़ा सवाल, इसीलिए आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं इरफान साहब। सिलेक्टिव एटीट्यूड, देखिए जब नियत में होती है खोट तो लगता है चोट। मेरा ये मानना है कि आप किस नियत से कहीं पे ढील दे रहे हैं और कहीं पे रोक रहे हैं। आपने ये हेल्थ फैक्टर को लेकर के आपने पॉलिटिकली क्या फायदा देगा आपको, राजनीतिक तौर पे आपको क्या फायदा? अगर कोई रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है तो आप उसको छोड़ दे रहे हैं, चाहे उसमें कितने लोग मारे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सोचना है, ये आप उस फियर में कब तक जीते रहेंगे कि आप रिलीजियस सेंटिमेंट को लेकर के चलेंगे और आपको वोट मिलता रहेगा? तो इस तरीके से तो नहीं चलता है। अब जो चीजें हुई है ये तो एक्सपोज हो गया ना, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो कुछ भी करें उसमें आपका नियत बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर बिल्कुल नियत साफ रहेगा तो जाहिर सी बात है, और हायर एंड फायर की पॉलिसी आप अपनाएं जी। जो भी, जाहिर सी बात है कि जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो काम करते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, लेकिन ग्राउंड में जो जीरो, ग्राउंड जीरो पे जो लोग काम कर रहे हैं डेफिनेटली वो ऑफिसर्स होते हैं, वो IAS ऑफिसर होते हैं, वो IPS ऑफिसर होते हैं, बाकी अधिकारी होते हैं। अगर वो लोग ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ये समझ के कि वो उनका अपना परिवार का काम है जी। ये सिर्फ ये नहीं कि आपको वो सैलरी मिल रहा है, आपकी जिम्मेदारी है, ये मुल्क आपका है, आपको उस काम को करना है। तो मेरा ये मानना है कि जिसने भी उस ड्यूटी को 24 आवर्स में 100% परफॉर्म नहीं किया, आप यू जस्ट सैक हिम। आप नए लोगों को रखिए, अच्छे लोगों को रखिए जो अपने से पहले इस मुल्क के बारे में सोच रहे हैं जी। ये रेजोल्यूशन आज लेने का दिन है। बिल्कुल सही मैसेज दिया है आपने इरफान सर, बहुत शुक्रिया आपका इस संजीदा गुफ्तगू के लिए, इस गौर व फिक्र के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे नुमाइंदे जितेंद्र नूरा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर मजीद अपडेट्स के लिए। जितेंद्र, ये बड़ा सानहा पेश आया है माता वैष्णो देवी मंदिर अहाते में, और इस अफसोसनाक खबर ने पूरे मुल्क को गम में मुब्तला कर दिया है। 13 लोगों ने अभी तक जान गंवा दी इसमें, असल में यहाँ हुआ क्या था जितेंद्र, कुछ मालूम हुआ? मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से, अगर 31 दिसंबर की बात करते, 31 दिसंबर में कटरा माता वैष्णो देवी में काफी रश रहता है, लेकिन रश में पहले भी रहता है, लेकिन जो इस बार का रश है काफी ज्यादा रहा। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार कोविड की बात करें तो कोविड 2 साल से हावी था, उसी को देखते हुए अगर देखा जाए तो लोगों ने इस बार काफी मात्रा में दर्शन करने की बात सोची। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार लोग कटरा माता वैष्णो देवी में पहुंचे हैं, लगता है कि बहुत ज्यादा रश वहां पर देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से काफी इनिशिएटिव लिए गए थे, सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था आप लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग फिर भी नहीं माने। और देखा जाए तो अगर कटरा से लेकर माता वैष्णो देवी तक लोगों को हजूम लगा, अगर ऊपर की बात करें तो
ये भी कहा जा रहा है कि रस बहुत ज्यादा था, लेकिन जो मानने वाली बात है कि अगर रस ज्यादा था तो इसलिए जो हादसा हुआ, अगर देखा जाए तो एक गेट नंबर जो तीन है कटरा माता वैष्णो देवी का, जो बाहर की तरफ से और अंदर की तरफ से दोनों के रास्ते जाते हैं, वहां पर जो हादसा हुआ है कम से कम देखा जाए तो 13 व्यक्तियों की अब डेथ हो चुकी है, 16 व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें जम्मू के कटरा हॉस्पिटल और नारायण हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर, ये तफसीलात साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।